राजस्थान से हैं साधुराम जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्कार। मैडम। नमस्ते अखिल साहब। आदाब, जय हिंद। सर, एज है 62 और वेट वेट 75। हाई बीपी और सर दर्द और नींद की प्रॉब्लम तो पुरानी है, करीब 10 साल से एलोपैथी दवाई ले रहा हूँ। हाई बीपी, सर दर्द और नींद नया आना। अभी घुटनों और टखनों के बीच में, पैरों में, दोनों साइडों में, टांगों में थोड़ा दर्द कभी भी हो जाता है। 3-4 दिन रह गया, फिर कंटिन्यू नहीं होता। जैसे 5 दिन हो गया, फिर 5 दिन रुक गया। घुटनों टखनों के बीच में, घुटनों में नहीं है, जोड़ में कहीं नहीं है, टांगों में। तो कोई सजेशन बताइए साहब, कोई क्या लेंगे सर? जी हाँ, देखिए, एक तो आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। अगर ये लगवा लें तो आप बगैर दवा के भी ठीक हो जाएंगे, अभी शुरुआत है। नहीं तो ये बढ़ता जाएगा, फिर दवा लेनी पड़ेगी। अगर किसी से भी फ़ायदा ना हो तो फिर गौन स्याह मैं बताता हूँ अक्सर, असली ले लें, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से, तो ये रोक जा सकता है। नहीं तो ये बढ़ता ही जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। और हाई बीपी, शुगर और नींद ना आने के लिए आपको लेना चाहिए जैतून का सिरका, 3-3 चम्मच सुबह शाम, या एक ही टाइम लें रात को। तो ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो दवाएं भी खाएं जो आप खाते हैं, और ये उसकी मददगार दवा होगी जो आपके तीनों रोग को कंट्रोल कर सकती है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हरी जी, स्वागत है आपका। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। नमस्ते नमस्ते। जी नमस्कार। सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। वो जी सवाल कर लीजिए। मैडम, मेरे पेट में जो है ना गैस होती है, पेट फूल जाता है, आपकी तो उम्र क्या आवारा है? गैस। उम्र क्या है आपकी? 68 ईयर। ठीक है जी। तो देखिए, जब किसी सूरत एसिडिटी, गैस ना माने बहुत सारी दवाएं खाने से, तो ज़रूरी यह है कि हमें सोनोग्राफी करानी चाहिए, पेट की जांच, एब्डोमन जांच। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पेट में क्या कुछ हो रहा है। कभी कभी हमारे पित्ते में पथरी हो जाती है, और कुछ भी खाओ और एकदम गैस बनती है, बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है। तो ये पथरी होती है तो फिर कोई दवा असर नहीं करती। मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, अगर उससे फ़ायदा ना हो तो आप जांच ज़रूर करा लें। तो देखिए, सौंफ, सौंठ, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, ये 200-200 ग्राम लें। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया 200-200 ग्राम लें। 200-200 ग्राम आंवला भी लें, आंवला का पाउडर, आंवला सूखा मिलता है। सौंफ, सौंठ, धनिया, आंवला और मेथी, और 150 ग्राम इसमें नमक जैतून। ये नमक जैतून बिल्कुल नमक जैसा एक पदार्थ है जो नमकीन नहीं होता। ये नमक निकाला जाता है जैतून के फल से, ये नमकीन नहीं होता। ये असली लें और इसमें 150 ग्राम मिला दें या 200 ग्राम मिला दें। इसका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ खाएं। गर्म पानी पिए तो बहुत बेहतर है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। हरिद्वार से हैं नमन, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैम, ये एक दिक्कत है मेरे को। बताइए। जी, रात को सोते समय ना खुजली सी मचती है शरीर के अंदर, चींटी सी काटती है। आपकी उम्र क्या है? मैम उम्र है 25 साल। 31 साल। जी हाँ, देखिए, ये खाने का सोडा आपके किचन में होता है, खाने वाला सोडा जो व्यंजन में भी डाला जाता है, पकौड़ियाँ वकौड़ी बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, मम्मी को पता होगा। ये एक चुटकी में, देखिए ये चुटकी है, एक चुटकी में जितना आए 1 गिलास गर्म पानी मिलाकर
रोज़ाना पी लिया करें, आपको ये परेशानी ठीक हो जानी चाहिए। तो नमन, ये छोटा सा नुस्खा देखिए, हकीम साहब ने आपको बता दिया है, आपको जो परेशानी हो रही है, आप सो नहीं पाते हैं, आपको इतनी ज़्यादा खुजली होती है, तो आप ये नुस्खा ज़रूर अपना लीजिएगा। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम उमरा कौर है। जी बताइए, सवाल करिए। मेरे घुटनों में बहुत समय से दर्द है, मतलब। आपकी उम्र क्या है? उम्र 42 साल। 42 साल, 42 साल, ठीक है जी। हाँ देखिए, मुद्दतें हो जाती हैं, हम इलाज करते रहते हैं। एक इलाज ऐसा भी है कि जो कुछ दिन किया जाए तो फिर जड़ से मर्ज चला जाता है। एक तो ये दवा जो आप खाते हैं वो दर्द हो खा लो, रोज़ाना खाओ, रोज़ाना जियो। एक आता है काला गोंद, इसे कहते हैं आसान भाषा में काला गोंद। ये गोंद स्याह गोंद हम कहते हैं, स्याह गोंद स्याह, लेकिन ये नकली बहुत होता है। असली ले लें आप, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खाने के पश्चात आधा ग्राम। ये अगर असली मिल गया आपको तो आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है, लेकिन असली मिलना काफ़ी टेढ़ी खीर है। लोग इसकी जगह वो दे देते हैं एलवा या कुछ और, ये एलवा नहीं है, ये गोंदसिया एक गोंद है जो प्राकृतिक रॉ मटेरियल है और इलाज भी बहुत सस्ता है, 15-16 रुपए का रोज़ाना का इलाज। आपने लाखों रुपए लगा दिए होंगे, ये भी ट्राई करके देख लीजिए। फ़ायदा तो 5-7 दिन के बाद शुरू होगा, आप कभी बहुत जल्दबाजी करने लगे, जहाँ सालों से आप कर रहे हैं वहाँ ये 100 ग्राम भी अगर आपको असली मिल गया तो आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है, बशर्ते आप अब मेहनत ना करें कुछ दिन जब तक इलाज चले। ये कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें और झाड़ू पोछे जैसा काम ना करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। महाराष्ट्र से हैं सचिन, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम, मेरे को क्या खाना नहीं पच रहा, वो बॉडी को नहीं लग रहा खाना। कब से दिक्कत है ये? मैम अब मेरी उम्र 18 साल है मेरी। ठीक है। हेलो जी जी, ठीक है। मेरी हाइट ज्यादा है, इसी वजह से मेरा खाना नहीं पच रहा जी। अपनी मम्मी से कहें कि जो खाना बनाती हैं आपके घर में, जो भी जिम्मेदार है खाने की, तो उनसे कहें कि अदरक इतनी सारी डाला करें खाने में, महिलाएं इतनी सी डालती हैं, इतनी सारी डाला करें। महाराष्ट्र में तो अदरक भी पैदा होती है, सस्ती भी मिलती है, बहुत सारी ला के रख लें ताकि मम्मी कंजूसी ना करें, और इतना ही लहसुन और इतनी अदरक डाला करें, आपको खाना पचने लगेगा, हजम होने लगेगा और आपको बॉडी भी बनेगी। ये शुरू करें, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली लें, सफ़ेद वाला लें, असली लें। ये 1 ग्राम नारियल पानी मिलाकर रोज़ पी लिया करिए, आपकी सेहत ऐसी के देखने दिखाने की सेहत हो सकती है जी। झांसी से हैं रिंकी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार मैम, मुझे ये मेरा पीरियड टाइम से नहीं आता है, मैं बहुत परेशान हो गई। आपकी एज क्या है? मेरी 26। ठीक है जी। देखो बच्चा, हमारे किचन में सब दवाइयां होती हैं और हम क्या क्या करते रहते हैं। एक दवा ऐसी है जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हल्दी। अच्छा, हल्दी हमारे घर में पिसे तो शुद्ध होती है, वरना बाज़ार से जो हम लेते हैं पिसी पिसाई, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है तो असर कम करेगी। अगर आपको शुद्ध हल्दी चाहिए तो साबुत हल्दी लीजिए, उसको पाउडर किसी सूरत बनाइए या अपने नज़र के सामने पिसवाइए।
फिर ये एक चम्मच हल्दी ले ऐसे 3 ग्राम के करीब, 4 ग्राम 3 ग्राम, और 1 गिलास दूध में मिला दें और इसको पी लें किसी भी वक्त दिन में कभी भी। अब ये हल्दी आपको अगले हफ्ते पीनी है, आज ही के दिन, जैसे आज पिए ऐसी अगले हफ्ते, फिर उससे अगले हफ्ते, रोज़ नहीं पीनी है, बहुत गर्म बहुत ताकतवर होती है ये, आप लगातार महीने में 4 या 5 बार पी सकते हैं बस, और 2 महीने भी अगर आप लेंगे तो आपकी ये परेशानी, मेंसेस ना होने वाली परेशानी ठीक होना मुमकिन है। तो आप रिंकी ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए नुस्खे अपनाने होंगे। दर्शकों एक एक बात आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप लोगों को नुस्खों का फायदा हो सकता है। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका, क्या नाम है? हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। मैम मैं संजीवन बोल रहा हूँ जी। मेरी वाइफ के लिए बात करना था, उनको शुगर है काफी टाइम से। उम्र क्या है उनकी? उम्र है अभी 38 साल। ठीक है जी। काफी कम उम्र में उनको शुगर हो गई, उनका खूब ख्याल रखे ऐसे ही, और वो दवाएं भी देते रहे जो देते हैं, साथ में एक आता जैतून का सिरका, देखना असली लेना नकली मत लेना, नकली भी आ गया मार्केट में, तो 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम, नाश्ते के बाद या खाने के बाद, और दिन में 2 बार पिलाना है, खाने के बाद 2 बार पिला दिया करें, पानी मिला के 3 छोटे चाय के चम्मच, उनकी शुगर स्थिर रहेगी, लेकिन वो दवा भी खाएं जो खाते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि ये कभी इंजेक्शन तक डायलिसिस तक नहीं पहुँचेंगे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और इसके बड़े फ़ायदे हमें नज़र आते हैं। फिर हार्ट पे परेशानी, आँखों पे परेशानी, लीवर पे परेशानी, पेट पे परेशानी, किडनी में परेशानी जो होती है, ये उन परेशानियों को नहीं होने देता, आप दीजिए उन्हें, और मुझे उम्मीद है कि वो सेहतमंद रह सकती है। सुल्तानपुर से हैं अभय तिवारी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम नमस्ते। जी नमस्कार। आदाब। जी आदाब। मुझे सर टाइफाइड हुआ, उसके बाद से पेट में दर्द हो रही है, और बहुत सारी जांचें करा ली, कोई रिस्पांस नहीं मिला। आपकी उम्र क्या है? उम्र 17 साल। जी आवाज तो भारी लग रही जी है। जी बच्चों वाली आवाज नहीं है आपकी, बड़ों वालों ही है, हम भी धोखा खा गए। अच्छा देखिए टाइफाइड जो है ये कहते हैं आंतों में गंदगी का हो जाने से ये टाइफाइड होता है। अब आंतों की सफाई के लिए एक तो आपने इलाज लिया होगा टाइफाइड का, पूरा लीजिए, कभी कभी टाइफाइड रह जाता है दोबारा से और ज़ोरदार होता है, तो जांच कराएं कि रहा तो नहीं आपको टाइफाइड। अब आप लीजिए, देखिए पत्थर बेल हम कहते हैं यूपी में, तो हमारे दिल्ली में पत्थर बेल या बेल पत्थर, अभी उसका सीज़न तो नहीं है, लेकिन सीज़न आने तक तो इंतज़ार नहीं किया जा सकता। बेल का मुरब्बा आता है, बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल का मुरब्बा, बेल पत्थर का मुरब्बा आप जानते होंगे, नहीं तो मम्मी पापा से पूछना या नेट पे सर्च कर लेना, ये आयुर्वेद और यूनानी के मेडिकल स्टोर होते हैं उन पे मिलता है। एक पीस उसका 3-4 इंच का पीस होता है, सुबह खाली पेट खाया करें, और एक पीस रात को सोते समय, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी बताइए, सवाल करिए। आसिम जी को प्रणाम। आदाब साहब सलाम। सर एक नुस्खा मैं ले रहा था, एक चम्मच अलसी और 1 ग्राम सोडा, उससे मुझे उससे खुजली में रिलीफ नहीं आया, मैं करीब 15-20 दिन हो गए। और दूसरी चीज मैं और बोलना चाह रहा था, एक जी
ये गॉन मोरिंगा सफेद मैंने मंगाया था, ये सेब से जाइया है, बहुत पुरानी जाइया है, ये 20 साल पुरानी है। तो गॉन मोरिंगा सफेद मैं एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम को ले रहा हूँ, क्या ये ठीक है या इसके साथ और कुछ मुझे अति आज से मंगाना चाहिए? तो कहाँ से लिया आपने ये? ये मैंने हेल्पलाइन नंबर से बात करके मंगाया। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए आप ना गलत ले रहे हैं दोनों चीज़ें। ये जो आप 1 ग्राम सोडा लेते हैं ये एक चुटकी लेना है, ठीक है, एक चुटकी। तो और ये जो आप एक चुटकी गॉन मोरिंगा सफ़ेद ले रहे हैं ये 1 ग्राम लेना है, आधे से 1 ग्राम ये ले सकते हैं दिन में 1 बार या 2 बार। तो आप गलती कर रहे हैं, कहने सुनने का फ़र्क यही हो जाता है। हम इसलिए कहते हैं कि लिख लिया करें, एक चुटकी सोडा और 1 चम्मच अलसी हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं, उसमें मिलाकर खाएं, और कैल्शियम की गोली 1 हर हफ्ते खाया करें। कैल्शियम मार्केट में मिलती है मेडिकल स्टोर पे, वही ले लिया करें 1 हफ्ते में 1, और आधा आधा ग्राम गोंद लिया करें, तब आपको फ़ायदा होगा। देखिए कोई भी गलती करेंगे तो उससे, खैर यूनानी दवाएं हैं, नुकसान तो नहीं होता लेकिन फ़ायदा देर में होगा, फिर आपको शिकायत हो सकती है। तो इस तरह लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।